अभी राइट और रॉन्ग कौन डिसाइड करेगा? कुछ लोगों के अनुसार राइट होमोसेक्सुअलिटी राइट है और कुछ लोगों के अनुसार होमोसेक्सुअलिटी गलत है। तो क्या होमोसेक्सुअलिटी को आप राइट मानेंगे गलत मानेंगे? कुछ लोगों के अनुसार लिविंग रिलेशनशिप सही है, कुछ लोगों के अनुसार लिविंग रिलेशनशिप गलत है। तो कुछ एक पैमाना बनाना पड़ेगा ना राइट रॉन्ग का। अभी मैं सुन रहा था, एक डॉक्टर से मिला तो बोला कि अभी तो मेरा क्या है, पूरा बिजनेस ठप चल रहा है क्योंकि सर्दी के मौसम में सब स्वस्थ रहते हैं, जब गर्मी आएंगी तो मेरा बिजनेस चलेगा। अभी सर्दी का मौसम किसी के लिए अच्छा है, एक के लिए बुरा है। गर्मी का मौसम डॉक्टर के लिए अच्छा है, पेशेंटों के लिए बुरा है। तो अच्छा बुरा सही गलत इसको कौन निर्धारित करेगा? जो लोग निर्धारित कर रहे हैं इंटरनेट पे अलग अलग बुक्स के थ्रू, वो व्यक्ति हैं या ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, वो है इम्परफेक्ट। और इम्परफेक्ट लोग जो भी अच्छा या बुरा बनाएंगे वो समय के साथ चेंज होगा, है ना। एक समय था कि जैसे आज हम देखते हैं डाउरी, दहेज। तो दहेज मतलब क्या है, जो पिता है वो एक अपनी कन्या को एक गिफ्ट देंगे, वो अच्छा समझा जाता था, है ना। लेकिन उसका समाज में रूप बिगड़ता गया, बिगड़ता गया, बिगड़ता गया। तो आज हम देखते हैं कि दहेज प्रथा हो गया, उसको गलत माना जाता है। तो जो पहले अच्छा था अभी बुरा हो गया। तो ये अच्छा बुरा सही गलत ये तो समय के साथ चेंज हो रहा है। तो रियल सही क्या है, रियल गलत क्या है, रियली गुड क्या है, रियली गुड बैड क्या है, वो परफेक्ट व्यक्ति को डिसाइड करना पड़ेगा जिसके अंदर कोई इम्परफेक्शन नहीं है। यहाँ के लोग जो भी अच्छा बुरा बनाएंगे वो समय के साथ चेंज हो जाएगा। तो कृष्ण है या विष्णु है वो परफेक्ट है, उनकी सेंसेस में कोई त्रुटियां नहीं है। वो जो डिसाइड, इसीलिए भगवद्गीता चेंज नहीं होती। इसीलिए भगवान ने पहले अर्जुन को ये नहीं बताया तुम युद्ध करो नहीं करो, भगवान ने बोला अभी उसको साइड में रखो, युद्ध करना है कि नहीं करना, पहले समझो तुम हो कौन। तुम हो आत्मा, आत्मा का कर्तव्य क्या है। तो जब आत्मा शरीर भगवान ये सब चीजों को समझोगे तब समझ में आएगा सही क्या है गलत क्या है। मोरलिस्ट ये करते हैं, ये सही है झूठ बोलना, सही है सत्य बोलना, तो कहीं कहीं झूठ बोलना पड़ता है। मान लीजिए चोर आया घर में, डाका डालने आया, चोरी करने आया, बोला कहाँ है सारा सोना कहाँ है, बोले मैं तो सत्य बोलता हूँ हमेशा, हमेशा झूठ कभी झूठ बोले नहीं सकता, बोला ये चाबी रखी है वो तिजोरी है, जो सत्य बोलता हूँ। तो इसीलिए सत्य असत्य अच्छा बुरा उसको स्क्रिप्चर से डिसाइड होगा, इसीलिए भगवद्गीता जानने की जरूरत है।